कानपुर के किदवई नगर में सवेरे दर्दनाक हादसा सामने आया। किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक तेज़ रफ्तार कार जिसे नाबालिग चला रहा था, स्कूटी सवार माँ और पुत्री को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि माँ बेटी स्कूटी समेत उछलकर दूर जा गिरी। हादसे में माँ की मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से बेटी घायल हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से नाबालिग छात्र और उसके पिता को हिरासत में लिया है। कल थाना किदवई नगर पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें से एक कार सवार चालक के द्वारा स्कूटी पे टक्कर मारी गई थी। टक्कर के दौरान उस पे जो बैठे हुए थे वहाँ पे घायल हो गए, उनको तत्काल जो है वहाँ से एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ से अस्पताल से उन्हें एक जो बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए एक दूसरे अस्पताल में, एक निजी अस्पताल में वहाँ भर्ती कराया गया। दौरान इलाज उनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी BNS के जो सुसंगत धारा है उन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और जो गाड़ी नंबर है वो गाड़ी का नंबर हमारे पास ज्ञात हो, गाड़ी भी जो है पुलिस से हिरासत में है। और इसमें जो एक अन्य जो उनकी बच्ची थी वो अभी इलाजरत है, उनका इलाज वहाँ पे निजी अस्पताल में चल रहा है। इसमें से जो चालक था उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, वो अभी नाबालिग है जिसकी उम्र जो अभी तक जो हमें जानकारी हासिल हुई है उसमें 17 साल है। उसके पिताजी को भी बुलाया गया है और उनके फादर से भी पूछताछ की जा रही है कि गाड़ी से किसके नाम से रजिस्टर्ड है। और इसमें जो धारा जो लगी है उस धारा में भी जो है हम इसमें देख रहे हैं कि जो धारा भी कुछ इसमें हम परिवर्तित करेंगे और इसका आधार पर इसमें हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कानपुर के सभी लोगों से मैं भी अपील करना चाहते हैं कि अपने जो नाबालिग बच्चे हैं जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको जो है कृपया गाड़ी चलाने के लिए ना दें। उससे उनकी जान तो खतरे में रहती है, साथ साथ में जो बाकी जो लोग जो पब्लिक रोड पर चल रहे हैं उनके जान का भी खतरा रहता है और इसमें जो आपराधिक रूप भी बनता है। पूर्व में भी इस तरीके के मुकदमे लिखे गए हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील भी जारी की गई, तो इसमें भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि आगे कोई भी व्यक्ति इस तरीके के कृत्य करने से परहेज करें। इनके माँ बाप की कुछ कार्रवाइयाँ होंगी कि नाबालिग बच्चे से जो गाड़ी जो ऑनर होंगे, जो गाड़ी के जो ऑनर कौन है उनके बारे में जो है उनके पिताजी को लाया गया थाने पर, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि गाड़ी का जो जो लीगल ऑनर है कौन है और गाड़ी इस बच्चे को किसने दिया, किसकी हिरासत में वो गाड़ी था और बच्चा जो है क्योंकि माइनर है तो गाड़ी जो किससे पूछ के ले गया था। इन सभी बिंदुओं पे जो है हम इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं।